हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी नीट के लिए ना, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए, और 100% बेटा एनसीईआरटी है। तो बेटा ओरिजिनल एनसीईआरटी है, लाइन टू लाइन हमको पढ़ना है, और वो एनसीईआरटी है जो इस बार नई आई है, न्यू एडिशन वाली। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें हम लोग बेटा 4 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज प्रभु हम लोग देखेंगे 5वां लेक्चर, और इस 5वें लेक्चर में हम देखेंगे कि भैया। तो बच्चों, आज हम यहाँ से 5वां लेक्चर चालू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करिए, और उनको बताइए कि अगर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े बेटा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, ये कंफर्म है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहते हैं तो दुनिया के सारे एग्जाम्स में आप जो है 100% बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लगे, आइए हम लोग देखते हैं इस तरीके से एनसीईआरटी ऐसे पढ़ें कि क्वेश्चन खुद अपने आप निकल के सामने आए और हम उसका सही आंसर दे पाए। तो बेटा, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का क्या है बेटा, बायोलॉजिकल नेम है, इसी को हम साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं, और प्लांट है इसलिए बोटेनिकल नेम भी कह सकते हैं, बस जूलॉजिकल नेम नहीं कह सकते हैं। तो हम यहां से देखेंगे कि अगर इसी मैंजीफेरा इंडिका के आगे क्या हो बेटा, साइंटिस्ट का नाम लिखा हो इन एब्रीवेटेड फॉर्म, तो दिखा है नेम ऑफ ऑथर ना अपीयर, जिसने मतलब ये नाम लिखा था, जेनेटिक नेम, स्पेसिफिक नेम, कुल मिला के हो गया बायोलॉजिकल नेम, जो जिसने मेंजीफेरा का बायोलॉजिकल नेम दिया था ना, उस ऑथर का नाम अपीयर्स ना होता आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब स्पीसीज के बाद यहीं पे जोड़ दिया जाता है, दैट इज जो कि ऐसे है एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना कि ये बन रहा है कि भैया आर्थर का नेम बायोलॉजिकल नेम में कहाँ लिखा जाता है, आर्थर का नाम बायोलॉजिकल नेम में स्पीसीज के ना बगल लिखा जाता है, एग्जाम्पल अभी हमको आगे मिलेगा। एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म, किस फॉर्म में जो है बेटा लिखा जाता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, समझ लो शॉर्ट वर्ड में, पूरा नाम नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं बेटा मेंजीफेरा इंडिका, ये पूरा क्या हो गया बायोलॉजिकल नेम ना, इसी के आगे देखो लिखा है लीनियस, और ये लीनियस का क्या है शॉर्ट नेम है, जिसे हम एब्रीवेटेड फॉर्म कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बच्चों क्या बना कि साइंटिफिक नेम के आगे जो लिखा जाता है वो क्या होता है, वो बेटा बायोलॉजिकल नेम के आगे जो लिखा जाता है वो ऑथर का नेम होता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होता है, इसको आप जरूर गोला कर लीजिए। इट इंडिकेट्स, आखिर ये आगे जो लीनियस लिखा है क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई क्या है लीनियस, इसके द्वारा भैया लीनियस के द्वारा ना ये स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया था। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। बच्चों प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनसीईआरटी को 100% पढ़िए बेटा, आपको 100 क्वेश्चन में आते हैं बायोलॉजी के नीट के अब इस साल से, लेकिन उसमें 90 करना रहता है, और मेरा ये दावा है, आप पुराने बच्चों का देख लीजिए, इंटरव्यू देख लीजिए ना, 85 से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से लाइन मिल जाते हैं, लेकिन जब आप डीपली एनसीईआरटी को पढ़े रहेंगे तो इसलिए लाइन टू लाइन जरूर पढ़िए और कई बार पढ़िए। आइए बच्चों फिर आगे चलते हैं। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्यों, क्योंकि बेटा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, 1.7 से 1.8 मिलियन, अभी हम लोगों ने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी कितना है, 1.7 से बेटा 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, इसका मतलब 17 से 18 लाख ये जो खोजी गई है और निरंतर जो खोजी जा रही है उसकी तो कौनो क्या है बेटा बात ही नहीं है। तो आपने देखा है, अब देखिए
इन सब का स्टडी कर पाना, अध्ययन कर पाना पॉसिबल नहीं है कि एक एक का हम कैरेक्टर पढ़ें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आवश्यकता हुई वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो देखिए इसीलिए लिखा है ना, इट इज क्या है, इम्पॉसिबल टू स्टडी ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ना इट इज नेसेसरी टू डिवाइस, हमारे पास डिवाइस करना है, अलग करना है सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, मतलब इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमको क्या है कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है, क्लासिफिकेशन। तो बेटा पूछा जाएगा कि व्हाई वी नीड्स क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर क्या होता है, इजी टू स्टडी, अध्ययन को बेटा सरल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और हर स्पीसीज का हम लोग जो है एकदम से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। जिनका कॉमन कैरेक्टर होगा उनको जो है अलग अलग रख देंगे ना, ग्रुपिंग कर देंगे और अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो बेटा क्लासिफिकेशन क्या हुआ, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। क्लासिफिकेशन क्या है आपसे ये पूछा जाएगा डिफिनेशन में, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू क्या है कॉन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो बेटा ये जरूर याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन जरूर करिए और लाइन टू लाइन जरूर याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड। एनी थिंग का मतलब कि जो हमारे पास कोई भी स्पीसीज हो, देखो इसको पूरा बेटा हाईलाइट कर लेना, इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्वीनियंट कैटेगरी ना बेस्ड ऑन क्या है सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब हम उनके लक्षणों के आधार पर, उन लक्षणों के आधार पर बेटा जो हमको दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम लोग क्या है अलग अलग ग्रुपों में उनको क्या करते हैं बेटा बांट देते हैं या अलग अलग ग्रुपों में रखते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन या इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी इजली रिकग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, हम प्लांट को पहचान सकते हैं किस आधार पर, बेटा देखते हैं उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है ना, और हम एनिमल्स को भी देखकर ही जान सकते हैं कि उसमें पूंछ है, पैर है, आंख है, हाथ है, मुंह है, नाक है, टांग है। तो बेटा ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हुए। डॉग को देख सकते हैं, कैट को देखने पे जान जाते हो ना कि कुत्ता है बिल्ली, कैसे, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स उसके वो लक्षण दिखाई देते हैं जो हम देख के पहचान सकते हैं कि बिल्ली ऐसी होती है, चितकबरे रंग की होती है, उसकी पूंछ छोटी होती है, आंखें छोटी छोटी होती हैं ना, कुत्ता क्या है बड़ा होता है, उसकी पूंछ ऐसी होती है, उसकी आंख कान नाक कैसे, मुंह ऐसा होता है। तो बेटा यही है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और इंसेक्ट कीड़ों को भी हम देख के बेटा क्या कर जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो द मोमेंट हमारे पास वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म ना, वी एसोसिएट सर्टेन क्या है करेक्टर्स, कुछ निश्चित करेक्टर को हम लोग संबंधित करते हैं विद द ऑर्गेनिजम्स इन द दैट ग्रुप, उनके ग्रुप में रखने के लिए या किसी ग्रुप में रखने के लिए। बेटा हम देखो लिखा है वी एसोसिएट सर्टेन करेक्टर्स, कुछ निश्चित लक्षणों को लेते हैं। व्हाट ना इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, समझाया जा रहा है बेटा कि जब आप एक कुत्ते को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है, इमेज क्या आता है, उसकी कान, आंख, नाक, पूंछ, पैर, शरीर की बनावट, ये सब हमारे पास ऑब्वियसली ईच ऑफ, ऑब्वियसली हाँ निश्चित ही ना, ईच ऑफ अस ना विल सी डॉग्स एंड नॉट क्या है कैट, जब हम कुत्ते को देखते हैं तो हमारे अंदर कुत्ते वाला ही क्या है बेटा लक्षण हमको प्रकट होता है, बिल्ली का नहीं होता है। नाउ इफ वी वर थिंक टू क्या है एल्स क्या है टियंस, एल्स टियंस आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा कुत्ते की एक प्रजाति होती है बेटा, एल्स टियन इज अ डॉग क्या है ब्रीड होता है, याद रखिएगा कुत्ते की एक जाति है, स्पीसीज है। वी नो व्हाट वी आर क्या है टॉकिंग अबाउट, हम जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम क्या कहें मैमल्स, तो
तो बेटा आप जान जाएंगे कि मैमल्स क्या होते हैं। यू वुड होता है ऑफ कोर्स, न जानते हो, ऑफ कोर्स निश्चित ही। थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स, देखो हम वही बता रहे थे, किसी एनिमल्स के बारे में हम क्या देखते हैं, उसके एक्सटर्नल ईयर कैसे हैं ना, उसके एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में बॉडी हेयर है। लाइक वाइज इस तरीके के इन द प्लांट्स में हम देखते हैं, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट क्या है, या टॉक ऑफ वीट, अगर वीट के बारे में हम पढ़ना चाहें तो क्या देखेंगे। द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड, देखो बेटा विल बी न ऑफ वीट प्लांट, होगा वीट प्लांट का ही आएगा पिक्चर हमारे दिमाग में, नॉट ऑफ राइस न और एनी अदर प्लांट। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटा कैरेक्टर्स को पहचानते हैं, हम उन लक्षणों को जानते हैं, ना ही किसी एनिमल्स का आएगा एटसेट्रा। आर कॉन्वियंट होता है कैटेगरी, ये याद रखिएगा, कॉन्वियंट है कैटेगरी, उन्हीं की कैटेगरी में रखते हैं। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था, मत पढ़िए, प्लांट गेहूं हूँ सब जानते हैं आप। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज कॉल्ड क्या है, टेक्सा। टेक्सा क्या है? टेक्सा या हम सिंगुलर कहें टेक्सॉन, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन। अगर हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, मैमल्स की बात करें, ना किसी भी चीज की बात करें, किसी इंसेक्ट की बात करें, तो बेटा उन सब को भी, किसी को भी हम कॉन्वेंट कैटेगरी ना, मतलब हम उनको टेक्सा कह सकते हैं। याद रखिएगा टेक्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लूरल है, सिंगुलर हमारे पास होगा टेक्सॉन। अब आते हैं बेटा थोड़ा यहाँ देखते हैं, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी। टेक्सा क्या करता है, यहाँ से देखिएगा, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी ना, कैटेगरी को हम लोगों को ये प्रदर्शित करता है एट वेरी डिफरेंट लेवल। कैटेगरी मतलब आप जानते हैं कैटेगराइजेशन, वर्गीकृत करना, या वर्ग में अलग अलग हमको दिखाता है कि आप किस कैटेगरी के में हैं, आपका क्लास क्या है, आपका स्तर क्या है बेटा, वही कि कहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में देखा जा रहा है, एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे। जैसे अगर मैं एक प्लांट कहूँ, ये भी एक टेक्सा ही माना जाएगा, देखो वीट कहूँ आल्सो एज अ टेक्सा, सिमिलर एनिमल्स में कहूँ, मैमल्स कहूँ, डॉग कहूँ, अभी तो बताए थे हमने ना, आर ऑल टेक्सा, सब कुछ टेक्सा है, बट यू नो ना डॉग दैट अ डॉग इज अ मैमल्स। डॉग क्या बेटा, मैमल्स है, स्तनधारी है, ये इसलिए बताया जा रहा है, कुछ लोग नहीं जानते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कुछ लोग गेहूं नहीं देखे होंगे शहर वाले जैसे बहुत ज्यादा, तो इसलिए याद रखिएगा। धान कैसे लगता है बेटा, वो नहीं जानते हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है। एंड मैमल्स ना आर हमारे पास एनिमल्स, तो बेटा देखो ये बहुत अच्छे से समझाया गया एनसीईआरटी में, हम जानते हैं कि डॉग क्या है, एक मैमल्स है, और मैमल्स क्या होता है बेटा, एक एनिमल्स है, तो अगर डॉग के लिए टेक्सा टर्म का यूज कर सकते हैं तो मैमल्स के लिए भी कर सकते हैं, मैमल्स के लिए कर सकते हैं तो एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप टेक्सा जो है टर्म का यूज, साइंटिफिक टर्म है, इसका यूज किसी भी कैटेगरी के लिए कर सकते हैं, चाहे वो बेटा क्या हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, मैमल्स हो ना, किसी के लिए भी टेक्सा का यूज किया जा सकता है। टेक्सा जो है बेटा अलग अलग कैटेगरी में भी प्रदर्शित होती है। डियर फॉर हम कहते हैं एनिमल्स, हमारे पास मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, ये याद रखिएगा बेटा, डिफरेंट लेवल्स, सेम लेवल पर नहीं, ये आपको स्टेटमेंट बना देंगे ट्रू और फॉल्स में। जैसे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ना स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो बेटा वहां बन जाएगा डियर फॉर एनिमल्स, हम कह रहे हैं कि एनिमल्स मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट सेम लेवल ना, ये क्या है बेटा, डिफरेंट लेवल पे। टेक्सा एनिमल को भी रिप्रेजेंट करेगा, टेक्सा मैमल्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, और टेक्सा बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेक्सा हम लोग जानते हैं डॉग को भी रिप्रेजेंट करेगा लेकिन डिफरेंट लेवल पर, इंसेक्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा लेकिन क्या, डिफरेंट लेवल पर। अब आते हैं हेंस बेस्ड ऑन क्या है करेक्टराइस्टिक्स, हम लोग लक्षण पे, आल लिविंग ऑर्गेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टेक्स डिफरेंट टेक्सा, कि सभी एनिमल्स को या सभी ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एनिमल्स नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो बेटा, किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन करेक्टराइजिंग करेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षणों के आधार पर क्या
क्या कर सकते हैं, सभी मैमल्स को या सभी एनिमल्स को, सभी क्या है बेटा ऑर्गेनिजम्स को, सभी सजीवों को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टैक्सा में बांट सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी क्या है, क्या बेटा टैक्सोनॉमी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू क्या है डिफरेंट टैक्सा कॉल्ड बेटा क्या है टैक्सोनॉमी। इसको हम लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटा यहीं पे लिख रहे हैं, ये आप अच्छे से समझते रहिए। अभी हमने लिखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है प्रोसेस ऑफ हमारे पास न बाय विच यहाँ पे एनीथिंग इज ग्रुप इनटू क्या होता है कॉन्वेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। वो हम आपको बताए थे कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण हमारे पास है। तो यहाँ पे हम थोड़ा टैक्सोन को देखेंगे कि आखिर किसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी इज, देखो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है क्लासिफिकेशन न इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो बेटा देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, अच्छे से आप भी चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो एनसीईआरटी के ऊपर ही लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहीं पे बेटा सोच लो किसका क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है ऑल ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग बेटा हमारे पास क्या हुआ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा इनटू क्या है डिफरेंट टैक्सा, इनटू डिफरेंट टैक्सा, टैक्सा। तो बेटा क्या हो गया, डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं बेटा क्या है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है टैक्सोनॉमी। बात समझ में आई बेटा। तो बेटा हम देखिए अगर क्लासिफिकेशन हमको करना है टैक्सोनॉमी क्या है वर्गीकी में, हम देखेंगे कितनी चीजें आती हैं टैक्सोनॉमी में। बेटा हमारे पास क्या क्या आएगा, देखो हम कह रहे हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी अच्छे से समझो बेटा। टैक्सोनॉमी में हमको क्या चाहिए बेटा, पहले आइडेंटिफिकेशन चाहिए, हम सारे करेक्टर्स के लक्षण को पहचानेंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स को पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब डिस्क्राइब ऑर्गेनिजम्स क्या है करेक्टली, अच्छे से उनको बेटा डिस्क्राइब करेंगे। आइडेंटिफिकेशन हुआ तो उनका बेटा क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर करेंगे, नाम रखेंगे, और नाम करेंगे बेटा फिर उनको क्या अलग अलग ग्रुप में क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे, अलग अलग ग्रुप में रख देंगे ना। तो हो गया क्लासिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्या है बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं महाराज, इन्हीं तीनों को मिला के देखो लिखे हैं टैक्सोनॉमी। ये क्या है टैक्सोनॉमी, डिफरेंट टैक्सा में हमको लिखना है, तो ये हो गया टैक्सोनॉमी। अब बेटा इसी के आगे आपको आएगा एक सिस्टमेटिक्स, उसको भी बताएंगे कि उसमें आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी बात हो जाएगी, तो उसे सिस्टमेटिक्स कहते हैं। टैक्सोनॉमी हमारे पास वर्गीकी है और सिस्टमेटिक्स मतलब समवर्गीकी होता है। तो आप टैक्सोनॉमी समझ गए होंगे, चलिए फिर से हम लोग इसको देखते हैं और आगे। तो बेटा देखिए दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड बेटा क्या है टैक्सोनॉमी। और थोड़ा सा प्रभु आगे चलते हैं कि इसके लिए हम किसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, किसका बेटा अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये याद रखिए। डेवलपमेंट बेटा क्या है प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन
ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रभु ये पॉइंट। बच्चों अच्छे से इसको याद रखिएगा कि बेटा बेसिस ऑफ क्या है, हमारे पास मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है। देखो लिखा बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इस सेल का उसमें स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है, कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस की उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर एसेंशियल एंड क्या है फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये बहुत ही जरूरी है प्रभु, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी ऑर्गेनिज्म के हम क्या बताओ बेटा क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या हमको जरूरी है, या क्या बताता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है हमारे पास। बेटा याद रखिएगा, देखो देखो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग हम करता रहे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म ना अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल की उसके सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, डेवलपमेंट प्रोसेस उसका डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या थी, ना इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन न कि वह जहाँ जिस वास स्थान पर रहा जाता है था है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इवोल्यूशन कैसे ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर एसेंशियल होता है एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। बेटा यही लाइने पूरा पूरा पूछ लेंगे, याद रखिएगा। तो बेटा हम लोग देखो अभी जो आपको बताए थे, देखो यहाँ पे बताए थे वही चीज आने वाली है। यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि टैक्सोनॉमी के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, ये आई क्या है प्रभु लिख देते हैं, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, आइडेंटिफिकेशन मतलब डिस्क्राइब करेक्टली, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा, वर्णित करना होगा, तभी जब उसके करेक्टर को पहचानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। फिर बेटा एन क्या है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर प्रभु ना नामकरण करेंगे, और नामकरण करने के बाद उसको सी से बेटा क्या है क्लासिफिकेशन, उसको उसका वर्गीकरण कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे किसी ग्रुप में ना, उसी के ग्रुप में रखेंगे जिसमें सेम करेक्टर्स एक जैसे करेक्टर होंगे उनको अलग अलग रख देंगे। जैसे हम लोगों में सारे नाइन्थ वाले एक में पढ़ते हैं, सारे ट्वेल्थ वाले एक में पढ़ते हैं, सारे नीट वाले एक में, सारे जेई वाले अलग अलग ग्रुपों में, वैसे बेटा इसमें भी कर देंगे। तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमी हुआ, यही आपको देखो अब एनसीईआरटी में बताया जा रहा है। बेटा एनसीईआरटी ही सब कुछ है, अच्छे से पढ़िए। तो देखो लिखा हैंस करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन मतलब करेक्टर को पहचानेंगे जो हम अभी आपको बताए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब डिस्क्राइब करेक्टली, ये क्या करेक्टराइजेशन उसके करेक्टर को पहचानिए, सबसे ज्यादा करेक्टर लक्षणों को देखेंगे ना, तब अलग अलग उसको करेंगे, भैया इसका लक्षण ऐसे है। आम को देख करके हम क्या देखते हैं कि आम हरा है, आम का शेप अलग होता है, संतरे का शेप अलग होता है, भले दोनों अलग अलग हैं तो उनके बेटा कैरेक्टर को हमने पहचाना और उनको अलग अलग ग्रुप में रखा। आलू भी हमको रख देना है तो आलू भी गोल होती है, थोड़ी लंबी होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसको अलग करेंगे। तो बेटा करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन न, अब बेटा फिर क्या है क्लासिफिकेशन एंड क्या है बेटा नोमेनक्लेचर। तो पहले क्लासिफिकेशन कर लीजिए तब नाम रखिए, पहले नामकरण कर लेते हैं तब क्लासिफिकेशन रखते हैं, आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे एक चीज और जोड़ देते हैं बेटा कि टैक्सोनॉमी के लिए क्या हमारे पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, हमारे बारे में कौन 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 से पता होनी चाहिए। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन तो मैंने लिखा ही है, नोमेनक्लेचर लिखा ही है, क्लासिफिकेशन लिखा है, यहीं पे आगे और देखो सी जोड़ देते हैं, सी आई एन सी हो गया मतलब करेक्टराइजेशन। देखो पहले से लाइन खींची है, करेक्टराइजेशन मतलब उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते रहेंगे, बेसिक टू टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के लिए बेटा ये चार चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। पहला करेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा बेटा नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो एनसीईआरटी में पहले क्लासिफिकेशन है, आप उसको भी कर सकते हैं, नामकरण बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बेटा हम लोग देखिए यहाँ पे पहले उसके के करेक्टर लक्षण को पहचानेंगे ना, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो लक्षण हम जानते हैं उन सभी लक्षणों के आधार पर हम क्या है ऑर्गेनिज्म सजीवों को पहचानेंगे कि हाँ वो कौन सा सजीव है। फिर बेटा हम उनको क्या करेंगे, उन चीजों को अलग अलग करेंगे
मतलब वर्गीकृत कर देंगे, अलग अलग ग्रुपों में रख देंगे ना, और फिर उसका नामकरण करेंगे। तो ऐसे भी आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं सी आई ना, हमारे पास सी आई स्क्वायर एन। तो देखो लिखा है सी हुआ बेटा हमारे पास ना, फिर आई हुआ सॉरी, फिर सी हुआ, फिर क्या हुआ एन हुआ, तो सी आई सी एन करेक्टराइजेशन। ये क्या हुआ आइडेंटिफिकेशन, ये क्या हुआ क्लासिफिकेशन, ये क्या हुआ नॉमेनक्लेचर। तो आप आई सी एन भी याद रख सकते हैं। तो बेटा हम जान गए कि ये बेसिक टू टैक्सोनॉमी ना, हमारे पास आधार है किसका वर्गीकी का। बेटा आपको ये कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 6 यहाँ से पढ़ेंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो 2-3 बार देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन खुद पढ़िए। और बेटा एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन चाट जाइए जिसको कहते हैं, कम से कम एक चैप्टर 20 बार पढ़िए। पूरी एनसीईआरटी में आपको 100-200 बार पढ़ाऊंगा लाइन टू लाइन बेटा, क्लास 11th और क्लास 12th की भी। अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं ना, तो बेटा प्लीज़ एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़िए, और अपने आप बोर्ड में भी बहुत बेस्ट कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ क्लास 12th की भी एनसीईआरटी चालू होगी बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। जय हिंद।